तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCQ Warriors पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है न्यू अपॉइंटमेंट्स इन मंथ ऑफ अप्रैल 2023। आज हम इस वीडियो में वो क्वेश्चंस कवर अप करेंगे जो भी अप्रैल के मंथ में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल्स 2023 अप्रैल में। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है Who has been appointed as the new Vice Chief of Indian Navy? आपका करेक्ट आंसर है A संजय जसजीत सिंह। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी। ही सक्सीड्स वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार हु रिटायर्ड ऑन 28 फरवरी 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as Executive Director of RBI? इसका करेक्ट आंसर है ए नीरजा निगम। नीरजा निगम हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। चलिए नेक्स्ट। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ TIE राजस्थान? इसका करेक्ट आंसर है ए शीनू झंवर। शीनू झंवर हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ TIE राजस्थान। चलिए नेक्स्ट। Who recently became the first female umpire to officiate a men's T20 international match? इसका करेक्ट आंसर है A किम कॉटन। किम कॉटन, a New Zealand umpire, recently became the first female umpire to officiate a men's T20 international match during the match between New Zealand and Pakistan in Wellington. चलिए next. Who has been re-elected as the UEFA president until 2027? इसका करेक्ट आंसर है बी एलेक्जेंडर सेफरिन। एलेक्जेंडर सेफरिन हैज बीन रीइलेक्टेड एज द UEFA प्रेसिडेंट अनअपोज्ड अंटिल 2027। चलिए नेक्स्ट। हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI? इसका करेक्ट आंसर है ए कलिकेश सिंह DO। कलिकेश सिंह DO हैज टेकन चार्ज एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NRAI। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाई कोर्ट हैज अपरेश कुमार सिंह बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ? इसका करेक्ट आंसर है ए त्रिपुरा हाई कोर्ट। अपरेश कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the interim MD and CEO of Karnataka Bank? इसका करेक्ट आंसर है ए शेखर राव। शेखर राव हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म्ड बाय फिनटेक रेजरपे टू स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द कंपनी? इसका करेक्ट आंसर है सी NS विश्वनाथन। फिनटेक यूनिकॉर्न रेजरपे हैज सेट अप एन एडवाइजरी बोर्ड दैट विल फोकस ऑन सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स टू स्टैंडर्ड कस्टमर्स एक्सपीरियंस, गवर्नेंस, कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। NS विश्वनाथन, द फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज बीन रोप्ड इन एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस 4 मेंबर एडवाइजरी बोर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has been appointed as the CEO and MD of Tata Electronics? इसका करेक्ट आंसर है B रणधीर ठाकुर। रणधीर ठाकुर हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ WRI इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है सी माधव पाई। द WRI इंडिया हैज अपॉइंटेड माधव पाई एज द न्यू CEO ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ अप्रैल 19, 2023। चलिए नेक्स्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन? इसका करेक्ट आंसर है ए अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द NTRO चेयरमैन। चलिए नेक्स्ट। Who has been appointed as the new CMD of BEML Limited. इसका करेक्ट आंसर है ए शांतनु रॉय. Shantanu Roy has been appointed as the new chairman and MD of BEML Limited, a public sector undertaking under the Ministry of Defence. चलिए next. Who has been appointed as the chairman of the MMA1 Federation? इसका करेक्ट आंसर है सी महावीर सिंह फोगाट. The legendary wrestler and coach Mahavir Singh Phogat has been appointed as the chairman of the MMA1 Federation. Mahavir is responsible for promoting mixed martial arts MMA in India. Chaliye next. Sumant Katpalia has recently been appointed as the MD and CEO of which bank? इसका करेक्ट आंसर है डी IndusInd Bank. The board of directors of the private lender IndusInd Bank has reappointed Sumant Katpalia as the MD and CEO of IndusInd Bank Limited for a period of 2 years with effect from 24th March 2023. Chaliye next. Who recently took the oath as the 22nd President of Bangladesh? इसका करेक्ट आंसर है सी शाहबुद्दीन चुप्पू. Shahbuddin Chuppu recently took the oath as the 22nd President of Bangladesh, succeeding Abdul Hamid. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Who is the new chairman of the Karnataka Vikas Gramin Bank? इसका करेक्ट आंसर है ए श्रीकांत एम भांडीवाड़. श्रीकांत एम भांडीवाड़ has become the new chairman of Karnataka Vikas Gramin Bank. Karnataka Vikas Gramin Bank is a regional rural bank in the state of Karnataka, India. चलिए next देखते हैं. Who has been appointed as the chairperson of NASSCOM in 2023-24? The correct answer है A Anant Maheshwari. The National Association of Software and Service Companies (NASSCOM) has appointed Anant Maheshwari as its chairperson for the year 2023-24. तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. फ्री पीडीएफ ई-बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आप हमारा ब्लॉग भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जितनी भी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलेंगी. उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक अपनी तैयारी करते रहिए. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.